स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि विभिन्न सूचकांकों में भारत की क्या स्थिति है, मतलब जानेंगे कि भारत को विभिन्न सूचकांकों में कौन सा स्थान मिला है। देखिए, अगर आपको परीक्षा के बारे में बताएं तो जो सूचकांक वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे तीन क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इस सूचकांक में भारत को कौवा स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर ये पूछा जाता है कि इस सूचकांक में पहले नंबर पर कौन है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे इसी तरह टॉप 10 क्वेश्चनों को जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करें। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आपको बता दें कि आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इस वेबसाइट पर जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने सब कुछ कवर कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे पहली रैंकिंग है विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019, तो ये जारी किया गया है किसके द्वारा, तो IMD के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग कौन है, तो 43, और इसमें पहले नंबर पर कौन है, तो यह है सिंगापुर। आपसे यही तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंकिंग पे। सबसे पहले कि इस रैंकिंग में भारत का कौवा स्थान है, किसके द्वारा जारी किया गया है और पहले नंबर पे कौन है। अगला है विश्व असमानता सूचकांक 2019, तो इस ये जारी किया गया है ऑक्सफैम के द्वारा। ये ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंकिंग है 147 रैंकिंग है असमानता सूचकांक में, और यहाँ पे पहले नंबर पे कौन है, तो डेनमार्क पहले नंबर पे है विश्व असमानता सूचकांक 2019 के लिए, जो कि ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो यह है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019, तो इसको जारी किया गया है EIEU के द्वारा और इसमें भारत की रैंकिंग है 47, पहले नंबर पे है स्वीडन। देखिए, अगर ज़्यादा पूछा जाने वाला देखा जाए तो इसमें दो ही चीज़ पूछे जाते हैं कि भारत की रैंकिंग कौन है और पहले नंबर पर कौन है। कभी कभी ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको जारी किसने किया है। आगे बढ़ते हैं, तो यह है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019, इसको जारी किया गया है EIEU के द्वारा और इसमें भारत की रैंकिंग है 47 और पहले नंबर पे है स्वीडन। आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे और उससे ये फ़ायदा होगा कि आप उसे कम समय में कई बार पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाए। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019, तो ये जारी किया गया है कार्नेल विश्वविद्यालय और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा और इसमें भारत को कौवी रैंकिंग मिली है, तो 52, पहले नंबर पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और ये जारी किया जाता है कॉर्नेल विश्वविद्यालय और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, इसमें भारत की रैंकिंग है 52। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019, तो इस ये जारी किया गया है IATA के द्वारा, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के द्वारा, इसमें भारत की रैंकिंग है 86, मतलब कि इसमें ये दिखाया गया है कि किसका पासपोर्ट कितना पावरफुल है और इसमें पहले नंबर पे है जापान और सिंगापुर, मतलब कि जापान पहले नंबर पे है। तो ये है हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स 2019, भारत की रैंकिंग है 86 और पहले नंबर पर है जापान तथा सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, तो ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019, ये जारी किया गया है IEP के द्वारा, तो यानी कि अगर हिंदी में देखें तो अर्थशास्त्र और शांति के द्वारा, और इसमें भारत की रैंकिंग है 141, पहले नंबर पे है आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब शांति के लिए होता है, तो यहाँ पे भारत की रैंकिंग है 141 और पहले नंबर पर है आइसलैंड। आगे बढ़ते हैं, तो यह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019। देखिए, जो विश्व प्रेस मतलब कि उस देश में प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है, इसके लिए ये सूचकांक जारी किया जाता है और ये जारी किया गया है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक संस्था है इसके द्वारा, और इसमें भारत की रैंकिंग है 140, पहले नंबर पर है नॉर्वे। चलिए, यहाँ से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये
क्वेश्चन का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019, तो इसको जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग है 76वां और पहले नंबर पे है स्वीडन। एक बार और, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। भारत की रैंकिंग है 76वां और पहले नंबर पे है स्वीडन। अगला है SDG, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। अब आप इसको इतना भी याद रख सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स मतलब कि कहाँ पे जेंडर में कितना गैप है। तो ये जारी किया गया है समान उपाय संगठन द्वारा, जो कि 2030 तक वर्क करेगा, और इसमें भारत की रैंकिंग है 95वां, पहले नंबर पे है डेनमार्क। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में टॉप 10 को कवर किया, और आप इसके लिए इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और इसी तरह की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।